नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं कोलकाता की खबर से। कोलकाता में जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, अब इस मामले पर कोलकाता पुलिस की शुरुआती प्रतिक्रिया पर महिला डॉक्टर के पिता ने गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा कि उन पर उनकी बेटी के अंतिम संस्कार के लिए दबाव बनाया गया। बीती रात आपको बता दें कि मृतका के पिता और रिश्तेदारों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। कोलकाता से ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब मेरी बेटी का शव घर पर था, तब डीसी नॉर्थ हमारे कमरे में आए और उन्होंने हमें पैसे देने की कोशिश की। हमें जो भी जवाब देना था हमने फौरन दिया। डीसी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमेशा झूठ बोल रही हैं। वो ऐसा क्यों कर रही हैं, मेरे दिमाग में इससे सवाल पैदा हो रहा है। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा 300 से 400 पुलिस वालों ने घर को घेर रखा है। इन हालात में हम कुछ नहीं कर सकते थे और हमें अंतिम संस्कार करना पड़ा। आरजी कार अस्पताल में दरिंदगी की शिकार हुई डॉक्टर के पिता का हैरान करने वाला आरोप। उनका कहना है उन्हें पैसे की पेशकश की गई और दबाव बनाया गया कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करते। पुलिस ने बहुत हड़बड़ी में ये काम कराया। परिवार वालों का ये ताज़ा आरोप उनके पहले बयानों से हटकर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पैसे दिए जाने की बात कहने का कोई सवाल नहीं है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ऐसा कुछ कहने की कोई वजह नहीं है हमारे पास, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। सरकार चला रही टीएमसी का कहना है कि मीडिया की दुकानें ही साजिश की थ्योरी फैला रही हैं। पार्टी का ये भी कहना है कि माँ पिता के अलग अलग बयानों की चर्चा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे वहशी ढंग से बेटी को खो देने के बाद उनकी मानसिक स्थिति समझी जा सकती है। दो वीडियो है, एक वीडियो पुराना है जिसपे माता पिता ने कहा है कि उन्हें किसी पैसे की पेशकश नहीं की गई, ये झूठ है और हम अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं। अब नया वीडियो है जिसमें आप ये बता रहे हैं, उन्होंने जो कहा है मैं उसको समझती हूँ और मुझे लगता है कि ये बात सामने लाई जाएगी। फिलहाल हम सब बेहद दुखी हैं, हमें राजनीतिक एजेंडा से ऊपर उठना होगा, यहाँ राजनीति की कोई जगह नहीं है। बुधवार को पूरे कोलकाता में आरजी कार रेप और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन चलता रहा। 12-7 में पुलिस को प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटाना पड़ा, उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर रखा था। कूच बिहार में प्रदर्शनकारियों और तृणमूल समर्थकों के बीच झड़प भी हुई और दीवार पर लिखे नारे मिटाए गए। प्रदर्शन में शामिल कलाकार ऋतु पूर्णा सेन गुप्ता के साथ कुछ प्रदर्शनकारियों ने धक्का मुक्की की और उनका पीछा किया। उन्होंने उनके साथ बुरा सलूक किया। हम मानते हैं कि कुछ भी हो, जो भी उसका पेशा हो, वो एक नागरिक है और महिला के तौर पर आई है, उन्हें उसका सम्मान करना चाहिए था और विरोध करने के अधिकार की इजाजत देनी चाहिए थी। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 2017 में हुए उन्नाव रेप की पीड़िता को सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली शिफ्ट किया गया था और उनकी जो बुनियादी जरूरतें होती हैं उसे पूरा करने की जो जिम्मेदारी है उसकी पहल सरकार ने की थी, लेकिन कुछ ही सालों के बाद पीड़िता को अब डर है कि उनके मकान से उन्हें बाहर किया जा सकता है, क्योंकि कई महीनों से जो यहाँ का किराया है मकान का वो चुकाया नहीं गया है सरकार की ओर से। उनसे बात की हमारे सहयोगी अतुल रंजन ने। 2017 उन्नाव रेप के सामने आने के एक साल बाद पीड़िता ने अपने पापा को जुडिशियल कस्टडी में खो दिया, उसके बहुत जल्द अपनी दो चाची को सड़क दुर्घटना में खो दिया। इसी को देखते हुए, उनकी सुरक्षा की चिंता करते हुए, प्रशासन ने उन्हें दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। हालांकि दिल्ली में उन्होंने कोशिश की कि एक नई दुनिया शुरू की जाए, नई दुनिया बसाएं, लेकिन इसमें भी अब पीड़िता को जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी उन्हें ये डर है कि जो छत उनके सर पर है, जो आशियाना जो उन्हें दिया गया है, वो भी अभी उनसे छिन सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं वो। मैम बताइए, अभी क्या टेंशन हो रही है आपको घर के लिए? सर टेंशन यही है कि मुझे, मेरे साथ 17 में हादसा हुआ था, 18 मेरे पिता को मारा गया था, 19 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मुझे यूपी से सरकार ने दिल्ली शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे सारे केस दिल्ली ट्रांसफ़र हो गए थे। मैं दिल्ली में रह के अपने सारे केस लड़ रही हूँ, अभी भी मेरे केस सारे पेंडिंग में हैं, अभी केस चल रहे हैं, मैं बराबर अपनी पैरोकारी कर रही हूँ, लड़ाई चल रही है और हम लड़ रहे हैं। लेकिन रही बात घर की, रूम रेंट
ये बिजली के बिल वगैरह सब ये सब दिक्कतें हो रही हैं। सरकार से पैसा टाइम से आता नहीं है और यहाँ पे महिला आयोग को कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखा है, महिला आयोग मकान मालिक को पैसा टाइम से पे नहीं कर पाती। मकान मालिक मुझे टॉर्चर करता है, बोलता है मुझे सरकारी पैसों से कोई मतलब नहीं है। कब से पैसा नहीं मिला है मकान मालिक को? मकान मालिक को पैसा 3 महीने से नहीं मिल रहा है। तो आपने कोशिश की इसके जो पैसा नहीं आ रहा है उसको जानने की वजह की क्यों नहीं आ रही, आपने कुछ ट्राई किया ऊपर? मैं ट्राई किया सर, मैंने महिला आयोग को अप्लीकेशन यहाँ से स्पीड पोस्ट किया सब कुछ, मैं जाती भी हूँ हमेशा 5-6 दिन में महिला आयोग में जाती हूँ, वहाँ ये सवाल करती हूँ कि मेरा टाइम से नहीं बोला, मुझे मकान मालिक टॉर्चर कर रहा। तो वहाँ से वो लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं ये चीज़ मुझे नहीं कन्फर्म है, लेकिन जब टाइम से नहीं आता तो लाइट पानी सब काट देता है वो। आप अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं, आपका अपना परिवार भी है, तो क्या इन सब में ये सब जो नए मामले सामने आ रहे हैं, आप केस भी लड़ रही हैं पुराना, तो क्या उससे बहुत दिक्कत हो रहा है आपको? सर मैं आगे सक्षम हो ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई मैंने इंटर कर लिया है, मुझे एजुकेशन करना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सीखना भी है, मैं सिलाई भी सीख रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ, मुझे कंप्यूटर भी सीखने की इच्छा है, लेकिन मैं देती हूँ अप्लीकेशन बस वो बोलते हैं पेंडिंग में, वो आगे फाइल गई, वो फाइल टाइम से होती नहीं, ना मुझे सिखाया जा रहा ना कुछ किया जा रहा, बस ये है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मेरा केस चल रहा है क्योंकि अगली पार्टी पैसे वाली है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो भाई जब आगे बढ़ेंगे तभी तो मैं कोई जॉब करूँगी, जब तभी तो मैं अपना केस लड़ पाऊँगी। यानी कि मामला जैसे ही अखबारों के सुर्खियों से गायब हो गया, पीड़िता को प्रशासनिक उदासीनता का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से अतुल रंजन, NDTV इंडिया। और अब बात कोटा की, जहां से फिर से दुखद खबर आई है। मथुरा के बरसाना के रहने वाले छात्र परशुराम ने कोटा में खुदकुशी कर ली। 3 साल से वो कोटा में थे और नीट की तैयारी कर रहे थे। दिखाते हैं आपको कोटा से रिपोर्ट। एक दिन पहले ही फोन पे बात हुई थी और बेटे ने कहा था कि कोटा में मन नहीं लग रहा है। अब उत्तर प्रदेश से कोटा ये पिता अपने बेटे का शव लेने आए हैं। साल 2022 में भी बेटा कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर चुका है। अब दोबारा उसे उम्मीदों के साथ कोटा भेजा था, लेकिन परिजनों का कहना है कि परशुराम नीट की रिजल्ट में हुई धांधली से लेकर तनाव में था और उसका मन पढ़ाई में इस बार नहीं लग रहा था। 2022 से नीट में जो किया है, जो नौजवानों के साथ में खिलवाड़ किया है, जो बड़े बड़े लोग उन बच्चों को मतलब ये बेक बेक के मतलब ये बेकवा के अपना पैसा दे के अपने बच्चे पास करा लिए, गरीब आदमी का कोई नहीं देखा, दो दो पैसा करके इकट्ठा करके मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया। 4 तारीख को मतलब ये 1:35 पर बात हुई थी मेरी कल, फिर उसके बाद में फिर फ़ोन नहीं उठाया उसने, फिर मैंने फ़ोन किया बराबर, उसने कहा कि पापा मन नहीं लग रहा मेरा। मन बन नहीं लग रहा था बेटा, मन तो लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन का मन ना लग रहा था मैं आ जाऊँगा तेरे पास में, तेरी मम्मी को भेज दूंगा, बोला गांव आ जा, मैं तो गांव आ जा जब तेरी इच्छा ऐसी हो रही है। तो परशुराम के मकान मालिक ने उसे आखिर शाम को कपड़े सुखाते हुए देखा था, जब काफी समय से बाहर नहीं आया तो पुलिस को सूचना दी। कोटा में इस साल ये 12वां आत्महत्या का केस है और ये आंकड़े चिंताजनक है। 2023 में कोटा में 20 आत्महत्या के केस सामने आए थे, 2022 में ये 15 थे। दिसंबर 2022 में एक दिन में एक साथ 3 छात्रों ने अपनी जान ली थी। 2021 में 9 मौतें हुई थी, 2018 में 12 और 2017 में 10 मौतें हुई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड के बाद कोटा में आत्महत्या के मामलों में 60% की वृद्धि हुई है। लेकिन आज इस संवेदनशील मसले पे शिक्षा मंत्री का बयान चौंकाने वाला था। जितनी जनसंख्या हमारे प्रदेश में है उस अनुपात में घटनाएं होती हैं। लेकिन आत्महत्या सिर्फ आंकड़ा तक ही सीमित नहीं हो सकता है, इसके पीछे छुपा हुआ है उन परिवारों का दर्द। उनकी माने तो बच्चे के खोने के बाद जिंदगी खत्म सी हो जाती है और ये शोक कभी टलता नहीं है। शायद इसलिए कोटा की कोचिंग को लेकर केंद्र सरकार ने कई गाइडलाइन जारी किए थे। कोचिंग में दाखिला सिर्फ उन बच्चों का हो जिन्हें इंजीनियरिंग या मेडिकल में कौशल है, कोचिंग में दाखिला की उम्र सीमा तय हो और हॉस्टल में पंखे में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाए जाए। लेकिन अब भी सरकार ने पूरी तरह से कोटा में आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए ये मापदंड लागू नहीं किए हैं। कोटा से शाकिर अली के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।
और अब एक दिलचस्प खबर मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार से, जहां वरिष्ठ नागरिकों यानी कि 61 साल से ऊपर के लोगों द्वारा संपत्ति रजिस्ट्रेशन में 200% का इजाफा हुआ है। क्या कारण हो सकते हैं और क्या है पूरे आंकड़े, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लीजा जगाशेठ दक्षिण मुंबई की इस 11 मंजिला बिल्डिंग में 2 बीएचके को छोड़कर अब इस 72 मंजिले में 4 बीएचके का पेंट हाउस खरीद चुकी हैं। बालकनी से मुंबई का पूरा नजारा दिखता है। कहती हैं कि कोविड तो चला गया पर जीवन जीने की बड़ी सीख दे गया। पहले ऐसा नहीं लगता था, एडजस्ट सब कर रहे थे, लेकिन जब भी कोविड आया ना, कोविड के बाद लाइफ इज सो अनसर्टन, कैसा लगा करे सब जमा करके क्या करेंगे। माइट वेल एज हम लोग यूज करते हैं अपने लिए, और यूज कैसे करेंगे, थोड़ा लग्जरी तरल रहेंगे, थोड़ा बड़ा घर रहेंगे। सो वहाँ से ये जो घर नया लिया ऑलमोस्ट डबल द साइज है, सो ऑफकोर्स थोड़ा अच्छा हो जाता है, एक दूसरे के सामने कोई नहीं आता है, ऐसा हो गया है। मेरा पुराना घर यहाँ पे ही है, वो जस्ट 900 मीटर डिस्टेंस पे ही है, दैट वन इज स्मॉल हाउस एंड 11 स्टोरी बिल्डिंग है। सो पूरा रिडेवलपमेंट होने लगा है, तो यहाँ से अभी मालूम पड़ता है कि हम लोग ने अच्छा मूल किया कि बड़े हाउस में आ गए, बड़े बिल्डिंग में आ गए, एमिनिटीज अच्छी है, वेरी गुड वेंटिलेशन ओवर हियर। I must say you can see just now कि बहुत अच्छा वेंटिलेशन है यहाँ पे, पूरा रिजुनुएट हो जाते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं लगता है कि कुछ गलत किया है। वेरी गुड डिसीजन फैमिली हैज टेकन, बहुत अच्छा लिया है। कोविड के बाद मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में ऐसे वरिष्ठ नागरिक बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। कोरोना के बाद से बीते 4 वर्षों के दौरान मुंबई में 61 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों ने जो संपत्ति खरीदी उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में बुजुर्गों ने 7,554 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करवाया था, जबकि इस साल जुलाई तक ही वो 15,276 संपत्तियों का पंजीयन करा चुके हैं। जुलाई तक के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना के बाद बुजुर्गों ने जिन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करवाया उनमें 200% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वरिष्ठ नागरिकों ने 2021 में 17,685, साल 2022 में 18,246 और साल 2023 में 22,849 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करवाया था। कुल रजिस्ट्रेशन में भी वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी बढ़ी है। कोरोना वाले साल इनकी हिस्सेदारी 12% थी, जो पिछले साल बढ़कर 18% हो गई। संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया ने 2024 की पूरी अवधि में बुजुर्गों की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन 23,000 के पार जाने का अनुमान लगाया है। इस तरह कोरोना के बाद से ये बढ़कर 3 गुना से अधिक हो सकता है। ऐसे तो कई कारण हो सकते हैं इसके स्पेसिफिक इंडिविजुअल केसेस में, बट जनरली जो देखा गया है ये है कि ये वो सेगमेंट के कंज्यूमर्स है जिनकी जो एबिलिटी के वो एक बेस्ट शेप में होते हैं, क्योंकि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी होती है वो फुलफ़िल हो गई होती है, इन मैनी केसेस वो अच्छा वेल्थ क्रिएट कर चुके होते हैं, और इसी के साथ में जो स्टेबिलिटी का एट्रीब्यूट है जिसके लिए प्रॉपर्टी माना जाता है, प्रॉपर्टी को जाना जाता है, स्टेबिलिटी की नीड सबसे ज़्यादा मिडिल एज एंड हायर एज ग्रुप वाले कस्टमर्स ज़्यादा वैल्यू करते हैं। हम देख रहे हैं 2024 में करीब 14-15% की ग्रोथ आ रही है हाउसिंग मार्केट सेल्स में मुंबई शहर में, तो इसी रफ्तार पे अगर चलने से जो ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट की सेल्स जो 60+ के एज ग्रुप वाली है उसमें करीब 25,000 से 26,000 यूनिट्स की हम अंदाज लगा रहे हैं इस साल में। जबकि वरिष्ठ नागरिकों के उलट 30 से 45 साल आयु वालों की हिस्सेदारी घटी है। 2020 में ये 48% थी, जो घटकर इस साल जुलाई में 40% पर आई है। पिछले साल भी आंकड़ा 40% ही था। 18 से 29 साल की आयु वालों की हिस्सेदारी 9% पर ही बनी हुई है, तो 40 से 60 साल के नागरिकों की हिस्सेदारी 1% बढ़कर 33% हो गई है। एबिलिटी है परचेज करने की वो भी कुछ हद तक इफेक्ट हुई है, ऐसे सेगमेंट्स में जहाँ पर अभी इनकम नो कैचअप नहीं हुई है या डिस्पोजेबल इनकम्स कम हुई इन्फ्लेशन के वजह से, तो वो भी एक ट्रेंड हो सकता है।
कोविड के बाद घर खरीदारों की मानसिकता में बड़ा बदलाव दिख रहा है। मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात करें तो महामारी का दौर ऐसा था कि हमारे वरिष्ठ नागरिक छोटे मकानों में बच्चों के साथ पूरा दिन रहने के लिए मजबूर थे, वहीं से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, बच्चे घर से ही पढ़ाई कर रहे थे और इसी दौरान बड़े और अच्छे घर खरीदने की ज़रूरतों पर जोर पड़ता दिखा। नतीजा अब आंकड़ों के जरिए हमारे सामने है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान मच गया है। पहले ये विवाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच था, पर इसमें अब शरद पवार भी शामिल हो गए हैं। रौनक कुकड़े की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संख्या शरद पवार का रुख अब बदलता दिख रहा है। महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब देने से शरद पवार अब तक कतराते रहे। कुछ दिनों पहले तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनकी पार्टी को मुख्यमंत्री पद में कोई रुचि नहीं है, लेकिन अब पवार कह रहे हैं कि जिस पार्टी के ज्यादा विधायक होंगे मुख्यमंत्री उसी का होगा। मुख्यमंत्री पद के बारे में अब सोचने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि नेतृत्व कौन करेगा इसका निर्णय चुनाव होने के बाद संख्या किसकी ज्यादा है वो देख के लिया जाता है। भले ही हमारी सरकार बनने के पूरे आसार हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, इसलिए मुख्यमंत्री पद के बारे में बोलना ठीक नहीं है। शरद पवार के इस बयान ने MVA के भीतर उद्धव ठाकरे का पलड़ा कमजोर कर दिया है। उद्धव ठाकरे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी के मुख्यमंत्री वाले फॉर्मूले का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करके ही चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। कांग्रेस शुरुआत से ही उद्धव ठाकरे के इस प्रस्ताव का विरोध करती आई है। अब कांग्रेस को शरद पवार का भी साथ मिल गया है। हम सब महाविकास अघाड़ी एक साथ मिलकर चुनाव में उतरेंगे और सीटों के तर्ज पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय करेंगे। उद्धव जी ने अपनी बात रखी है, लेकिन जब महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई तब हमने तय किया कि हम महाविकास अघाड़ी बनकर ही चुनाव लड़ेंगे। सहयोगी दलों के इन बयानों के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में ही जरूर कह दिया कि जनता के मन में मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे ही है। जनता के मन में जो चेहरा है जनता उसको ही मुख्यमंत्री बनाएगी। बात ऐसी है, पवार साहब की बात 100% ठीक है। 3 पार्टी की सरकार है, महाविकास अघाड़ी है, कौन कितनी सीटें जीतता है बाद में तय किया जाएगा, लेकिन हमको बहुमत मिल रहा है महाविकास अघाड़ी को और हमारा सबसे पहला काम है ये भ्रष्ट सरकार को हटाना और मुख्यमंत्री के बारे में कभी भी चर्चा कर सकते। मुख्यमंत्री पद को लेकर MVA के भीतर चल रही खींचतान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चुटकी लेते हुए कहा, दिल्ली के दौरे के बावजूद ठाकरे मुख्यमंत्री बनने की खातिर अपनी दाल नहीं गला सके है। ये कैसी दुर्दैवी बात है, जब बाला साहब थे तो दिल्ली उठ के यहाँ आती थी, अभी यहाँ से इनको दिल्ली के गली गली में जाना पड़ता है, मुझे मुख्यमंत्री करो मुख्यमंत्री करो मुख्यमंत्री करो, ये कैसी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये तो जब विचार छोड़े जाते हैं, बाला साहब ठाकरे जी के विचार आचार जब छोड़े जाते हैं तब ऐसी परिस्थिति होती है। उद्धव ठाकरे की हसरत है कि वो फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके सहयोगी दल कांग्रेस और NCP में भी कई ऐसे नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में सहयोगी दलों का रुख को देखते हुए लगता है कि उद्धव ठाकरे की ख्वाहिश खटाई में पड़ सकती है। कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ रौनक कुकड़े, NDTV इंडिया के लिए। और देश में प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, कई हिस्सों में 60 रुपए से ऊपर प्रति किलो प्याज बिक रहा है। इसे आम आदमी को राहत दिलाने के लिए सस्ते दरों में 35 रुपए किलो प्याज की बिक्री शुरू हुई है। दिल्ली NCR और मुंबई में शुरुआती समय में 40 अलग अलग लोकेशन को चुना गया है। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाते खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी, इस तरह की 40 गाड़ियां लोगों को सस्ती प्याज बेचने के लिए निकली हैं। इनके जरिए दिल्ली NCR के साथ साथ मुंबई में भी 40 अलग अलग जगहों पर 35 रुपए किलो की दर से प्याज की बिक्री शुरू हो गई है। आज दिल्ली में 40 लोकेशन से बिक्री शुरू हो चुकी है और हम मुंबई में भी आज बिक्री शुरू करवा रहे हैं। मुंबई में जी और रेट कितना खरीद सकते हैं? रेट 35 रुपए पर प्रति केजी है
हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एक आदमी एक किलो लेके जाए, बट चूंकि इनिशियली शुरुआत कर रहे हैं तो कोई केजी से बाहर अभी है नहीं। क्या ये भी डर था कि मुनाफाखोरी कर रहे हैं कुछ व्यापारी? देखिए, थोड़ा बहुत मुनाफाखोरी तो ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा मुनाफाखोरी होगी तो सरकार तो इंटरवीन करेगी, और हमारा और एनसीसीएफ नेफेड का यही काम है कि मार्केट में आके जब अगर लगे महंगाई बढ़ रही है तो प्याज लेके आएंगे हम लोग, और ये प्रयास रहेगा कि अगले 3-4 महीनों में प्याज के रेट देश भर के अंदर नियंत्रण में रहे। 35 रुपए किलो प्याज की बिक्री शुरू होते ही कृषि भवन और रायसीना रोड पर मोबाइल वैन के आगे लंबी लाइनें लग गईं। मैं इस वक्त रायसीना रोड पर हूं और यहां पर एक मोबाइल वैन लगाया गया है जहां 35 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज की बिक्री की जा रही है, और ऐसे करीब 40 आउटलेट्स आइडेंटिफाई किए हैं खाद्य मंत्रालय ने जहाँ पर ये सस्ते प्याज की बिक्री की जा रही है। और यहाँ पर जैसे ही ये वैन लगाया गया है, कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जिनकी शिकायत है कि उनके इलाके में प्याज जो है वो काफ़ी महंगे रेट पर बिक रहा है। काफ़ी बड़ी राहत है। तो प्याज कब से महंगा होने लगा था? हो गए, लगता है 15 दिन के आसपास हो गए। हाँ, पहले तो 50 चल रहा था तकरीबन, फिर अभी 60 हो गया। भले एक महीना से तो 50 चल रहा था। इलाके में आप रहते हैं? मैं तो वैशाली में रहता हूँ सर। यहाँ मैं घूमने के लिए आता हूँ थोड़ा सा लंच के बाद, तो देखा कि यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, हमने कहा यार इसका लाभ ले लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट ले लिया जाए। यही 50 और 60 रुपए है जी, हम मालवीय नगर से आए हैं। हाँ, लेकिन यहाँ रेट थोड़ा सस्ता है, 35 रुपए किलो है। हाँ, तो क्यों नहीं इसका फायदा उठाया जाए। प्याज गाजियाबाद, साहिबाबाद, नोएडा और गुड़गांव में भी महंगा हुआ है। लाइन में महिलाएं भी थी। जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर प्याज किस रेट मिल रहा है? 70 रुपए। 70 रुपए किलो? हाँ, 60-70। आपके इलाके में इतना ही है? हमारे 60। 60 रुपए। हाँ जी। तो आपको कैसे पता चला यहाँ 35 रुपए किलो मिल रहा है? हमें गाड़ी दिख गई, हम बस से उतरे, जल्दी से आ गए इधर। एक्चुअल में सर पहले था सस्ता, ये 3-4 दिन से थोड़ा महंगा हो गया, अब 60 से 70 रुपए सस्ता ऐसे मिलता है। जो ये रिटेल के दुकानदार है ना, ये जो ग्राहक को देते हैं ये 50 रुपए किलो, 60 जैसा आदमी वैसा देते हैं, लेकिन ये 35 रुपए दे रहे सरकार, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई 60 दे रहा है, कोई 70 दे रहा है, मतलब कोई एक्चुअल में कोई फिक्स रेट नहीं है किसी का। कृषि भवन के सामने 3 मोबाइल वैन में रखे प्याज आधे घंटे के अंदर बिक गए। अब देखना होगा कि मुनाफाखोरी पर नकेल कसने में सरकार की ये पहल कितनी कारगर साबित होती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ राजू शेखर।